मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को सीताराम। प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का महत्व। प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इनमें से एक गर्भ संस्कार है। भारतीय संस्कृति के इस गर्भ संस्कार में यह माना गया है कि गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जा सकता है, इससे दिव्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। गर्भावस्था, प्रसव के दौरान और जब तक आपका बच्चा 2 वर्ष का नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। प्राचीन शास्त्र और आयुर्वेद में गर्भवती महिला के आहार, योग और नियमित शरीर की देखभाल के नुस्खे के साथ साथ पठन सामग्री और संगीत को सुनने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और इसे गर्भसंस्कार कहा गया है। तो चलिए आज हम आपको गर्भसंस्कार और उसके लाभों के बारे में विस्तार से बताते हैं। गर्भसंस्कार क्या है? हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ गर्भावस्था आवश्यक है। गर्भसंस्कार ने शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की है। गर्भसंस्कार के बारे में प्राचीन शास्त्रों के लिखा गया है और इसे आयुर्वेद में भी शामिल किया गया है। संस्कृत में गर्भ शब्द गर्भ में भ्रूण को संदर्भित करता है और संस्कार का अर्थ है मन की शिक्षा। तो गर्भ संस्कार का अर्थ हुआ अजन्मे बच्चे के दिमाग को शिक्षित करने की प्रक्रिया। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि गर्भ में बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि वह माँ की भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होता है। आदिकाल से ही यह प्रथा हिंदू परंपरा का हिस्सा रही है और उदाहरण के तौर पर देखें तो गर्भसंस्कार का असर अभिमन्यु, अष्टक्रा और प्रहलाद जैसे पौराणिक चरित्रों पर बहुत सकारात्मक रूप में पड़ा था। जैसा कि कहानियों में स्पष्ट किया गया है कि ये अपनी माता के गर्भ से ही ज्ञान अर्जित करके आए थे। गर्भसंस्कार को बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए माना जाता है, बल्कि यह केवल बच्चे पर केंद्रित नहीं है। ये अभ्यास सुनिश्चित करते हैं कि माँ स्वस्थ रहे और मन की स्थिति सकारात्मक हो। गर्भसंस्कार के अभ्यास के जरिए गर्भवती महिलाओं के आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। गर्भवती होने पर गर्भ संस्कार कब शुरू करें? गर्भ संस्कार केवल गर्भावस्था के दौरान की जाने वाली देखभाल के बारे में नहीं है, बल्कि गर्भधारण से कम 1 वर्ष पहले तैयारी शुरू करने के विषय में है। गर्भ संस्कार सिर्फ गर्भधारण और गर्भावस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें स्तनपान का चरण भी शामिल है। माता पिता को इसका पालन तब तक करना होता है जब तक बच्चा लगभग 2 वर्ष का नहीं हो जाता। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार गतिविधियों की सूची। आयुर्वेद के अनुसार गर्भ संस्कार एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी मां की मन स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार गर्भवती मां के लिए ध्यान में रखने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का सुझाव देते हैं। स्वस्थ आहार की आदतें। आहार व्यवस्था गर्भावस्था का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि भ्रूण की वृद्धि माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर निर्भर करती है। आयुर्वेद के अनुसार आहार रस, जो माँ के आहार से प्राप्त पोषण या ऊर्जा है, स्वयं माँ के पोषण, बच्चे की वृद्धि और स्तनपान की तैयारी में मदद करता है। विटामिन और खनिजों से भरे एक संतुलित आहार की सलाह दी जाती है। गर्भावस्था में गर्भ संस्कार खाद्य पदार्थों में कैल्शियम, फोलिक एसिड और आयरन की संतुलित मात्रा होनी चाहिए। गर्भावस्था में गर्भ संस्कार भोजन में सात्विक भोजन शामिल होता है, जो ताजे तैयार पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसमें मीठे, नमकीन, तीखे, कड़वे और खट्टे जैसे 5 स्वाद शामिल होते हैं। आयुर्वेद में पंचामृत के सेवन की सलाह दी जाती है, जो शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। यह 1 चम्मच दही, शहद, चीनी और 2 चम्मच घी या शुद्ध मक्खन के साथ 8 चम्मच दूध के साथ बनाया जाता है। नशीले पदार्थों से परहेज की सलाह दी जाती है। सकारात्मक सोच। गर्भावस्था आपको मूडी और चिड़चिड़ा बना सकती है। गर्भसंस्कार आपको अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में मदद करता है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। आप किसी शौक को पाल सकते हैं या केवल उन चीजों को कर सकते हैं जो आपको खुश करती हैं। योग या किसी हल्के व्यायाम का अभ्यास करना। गर्भसंस्कार की सलाह है कि गर्भवती महिलाओं को मानसिक या शारीरिक रूप से कुछ हल्का व्यायाम करना चाहिए, जिसमें माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें। प्राणायाम आपके शरीर को शांत करने और सांसों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि आप बच्चे के जन्म के दौरान सांस को नियंत्रित ही करती हैं। हल्का व्यायाम लचीलापन बढ़ाता है,
रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द को कम करता है। विशिष्ट गर्भसंस्कार योगासन बहुत कम लेबर पेन के साथ नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाते हैं। ध्यान गर्भसंस्कार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह आपको तनाव और अवसाद से दूर रखता है। इसमें मन का शून्य स्थिति में शामिल होना है, जो शांति और धीरज लाने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। ध्यान करते समय शिशु के बारे में अच्छी बातों की कल्पना करना भी एक अच्छा तरीका है, जिससे आप बंध सकते हैं और सकारात्मक सोच सकते हैं, जिससे आपको और बच्चे दोनों को मदद मिल सकती है। प्रार्थना गर्भसंस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और माना जाता है कि यह शिशु के आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। प्राचीन शास्त्रों में मंत्र और श्लोक हैं जो अजन्मे बच्चों के लिए फायदेमंद हैं। संगीत सुनना जो मन को शांति देता है। गर्भसंस्कार कहते हैं कि एक बच्चा माँ के गर्भ में रहते हुए म्यूजिक सुनने पर हरकत करता है। वास्तव में प्राचीन साहित्य कहता है कि गर्भावस्था के चौथे महीने से एक बच्चा अपने आसपास के वातावरण को सुनना और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि माँ को मधुर संगीत सुनना चाहिए। सरल और आध्यात्मिक गीत या मंत्र और श्लोक माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी कहे जाते हैं। गर्भसंस्कार का मानना है कि वीणा की ध्वनि, एक तार वाद्य और बांसुरी जैसे वाद्ययंत्रों की आवाजें आपके मन और आत्मा को शांत कर सकती हैं। शांत या आध्यात्मिक किताबें पढ़ना। गर्भसंस्कार आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने की सलाह देते हैं, जिससे संतोष और संतुष्टि की भावना आती है। वास्तव में गर्भसंस्कार इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि शैक्षिक पुस्तकें पढ़ना गर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व को आकार देता है। यह माना जाता है कि जब आप गर्भवती होती हैं, तो पढ़ने से अजन्मे बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। नैतिक मूल्यों या पौराणिक कहानियों वाली पुस्तकों की सिफारिश की जाती है, लेकिन आप हमेशा एक और पुस्तक चुन सकते हैं जिसे आप पढ़ने में आनंद लेते हैं। मन को तनाव मुक्त और खुश रखना। गर्भसंस्कार के अनुसार माँ को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो उसे तनाव देती हैं। अनुचित तनाव लेना या उन चीजों को देखना या पढ़ना जो गर्भावस्था के दौरान आपको डराने या चिंता करने पर मजबूर कर देते हैं, उनसे आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह भ्रूण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। कोशिश करें और अपने बच्चे की खातिर 9 महीनों के दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट रहें। गर्भावस्था के दौरान गर्भसंस्कार के लाभ। यह बच्चे के पहले विचार को आकार देने के लिए माँ पर निर्भर है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण माँ के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है, जो कि अच्छी तरह से उसके गर्भ में बच्चे के होने से भी जुड़ा हुआ है। गर्भसंस्कार माँ और उसके अजन्मे बच्चे के बीच उस शाश्वत बंधन को विकसित करने में मदद करता है, जबकि विशेषज्ञ माँ की भलाई के लिए गर्भसंस्कार का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिशु के लिए दीर्घकालिक लाभ भी हैं, जिन्हें तुरंत पहचाना नहीं जा सकता है। बच्चे के साथ संचार गर्भसंवाद है, जो बच्चे के मानसिक विकास में योगदान देता है और माँ के साथ एक मजबूत बंधन बनाने में मदद करता है। संगीत सुनना और अजन्मे बच्चे को पढ़ना बाद में आपके बच्चे को एक साउंड स्लीपर बनाने या बेहतर नींद की आदतों को प्रेरित करने में मदद कर सकता है। आपका शिशु अधिक सतर्क, जागरूक और आश्वस्त हो सकता है। शिशु बेहतर तरीके से उत्तेजना का जवाब दे सकता है और अधिक सक्रिय और संतुष्ट हो सकता है। इसके जरिए आपका बच्चा बेहतर तरीके से स्तनपान कर सकता है। गर्भसंस्कार प्राचीन प्रथाओं से जुड़ा हुआ है। यह माँ के कल्याण और बच्चे के स्वस्थ विकास पर केंद्रित है, लेकिन इससे भी अधिक गर्भसंस्कार माता और बच्चे के बीच एक चिरस्थायी बंधन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक स्वस्थ आहार, सकारात्मक विचार, नियमित व्यायाम और एक प्यार भरा बंधन गर्भसंस्कार के घटक हैं। गर्भसंस्कार के सरल सिद्धांतों का अभ्यास करें और उनके द्वारा शांति का अनुभव करें। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही बातें जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो प्यारे दर्शकों, आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे।